इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि मैं अपने खालू के साथ आई हूँ भाई, साथ आने के लिए तुम्हें भी क्यों निकाह करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल बेवकूफ़ी की कि जी हमने फर्जी निकाह करके गोया कि अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर किया ताकि उमरे का वीज़ा लग जाए। वो ऐसा जलील और बदबख्त है कि मक्के में भी निकाह कर रहा है, तो मेरी बीवी बन गई। और बदबख्त भांजी तुम्हारी कैसे बीवी बन गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बेटी अगर हिम्मत है ना तो जब भी निकलो ना बाहर, कोई भी पुलिस वाला उसको बता दो, इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। यहां तो हाथ जारी कर देंगे। कोई निकाह शिकाह नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मकसद इतना अर्सा तुम भी राजी रही ना कि हमला भी हो गई हो माशाल्लाह। ला हौल वला ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तौबा करो और आज से एक दूसरे से दूर हो जाओ। पाकिस्तान पहुंचकर भी दूर रहो। इतना बड़ा गुनाह किया लेकिन अल्लाह का दरवाजा खुला है, तौबा करो, अल्लाह माफ कर। उस बदबख्त से भी कहो कि तौबा करे, कम से कम मक्के मदीने का शर्म करे। कौन सा निकाह तुम्हारा हो गया। मुझे एक आदमी से मोहब्बत है। अब देखें ये जनाब मुसलमान है, जिससे मोहब्बत है वो मर्द है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। आए जी मर्द की शादी कर रहा। तुम दोनों इस्लाम से निकल जाओ, यूरोप के किसी मुल्क में जाके शादी कर लो। इस्लाम में तो गुंजाइश नहीं है। इस्लाम की तो सजा ये है कि दोनों को कत्ल कर दिया जाए। तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। क्या कह रहे हो, लिखते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आई। मेरे पास मोबाइल फोन का शोरूम है, एक ही 1000 से लेकर 1 लाख तक मोबाइल है। कहते हैं कि ये मोबाइल फरोख करना सही नहीं। बिल्कुल सही है। क्यों सही नहीं है, हर चीज़ का इस्तेमाल है। इस्तेमाल गलत करोगे तो नजायज़ है, सही करोगे तो जायज़ है। अब मोबाइल से तो इतने अल्लाह ने आसानियाँ कर दी हैं कि आदमी दूर बैठ के भी अपने घर वालों का पता कर लेता है। बगैर हल्क कराए सिले हुए कपड़े पहन के सो गया, ताज्जुद की अजान के वक्त हल्क कराया। अगर 5-6 घंटे गुजर गए मेरा भाई तो दम पड़ गई। अगर 1-2 घंटे हैं फिर दम नहीं है, सदका कर दें। कहते जी मुनकर नकीर जब कब्र में सवाल जवाब करके चले जाएंगे तो हमारा रूह कब्र में रहेगा, ये वापस चला जाएगा। जब मर जाओगे पता लग जाएगा तफसील का। बल्कि मोबाइल साथ रख लेना, हमें भी बता देना। हम क्या इलाज है भाई, इतनी देर के लिए लौटाया जाता है कि सवाल जवाब हो गया। बाकी रूह जहां भी हो अल्लाह ताल्लुक कायम कर देते हैं, वरना फिर कब्र में अजाब या नेमत का क्या माना। जब रूह ही नहीं होगा तो अजाब किसको होगा। अब देखो ना ये मोबाइल है, कोई टेली तार नहीं, कोई सैटेलाइट से ताल्लुक है। जिस दुनिया का नंबर भी नया लग जाता है ये बंदे बना सकते, अल्लाह नहीं जोड़ सकते रूह का ताल्लुक।